हिंदी सिनेमा वर्ल्ड में सिर्फ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ही यादगार नहीं हुए, बल्कि गुजरे हुए जमाने के सिंगर्स भी अपने बेहतरीन गानों के लिए याद किए जाते हैं। उनमें से एक है राज कपूर की आवाज कहे जाने वाले और म्यूजिक लवर्स के दिलों पर राज करने वाले फेमस सिंगर मुकेश जी, जिन्होंने दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, कहते हैं जोकर, आवारा हूँ जैसे हिट गाने दिए। 22 जुलाई 1923 में जन्म लिए मुकेश चंद्र माथुर 10 भाई बहनों में से छठे थे। मुकेश को बचपन से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट होने से 10th क्लास छोड़कर पीडब्ल्यूडी में सर्विस करते समय पर भी फिल्म्स में काम करना चाहते थे। एक बार जब वह उनके रिलेटिव मोतीलाल की बहन की शादी में गाना गा रहे थे तो मोतीलाल को मुकेश की आवाज पसंद आई और मोतीलाल ने उनको मुंबई लाकर सिंगिंग में ट्रेनिंग दिलाई। उनका पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो था और 1941 में निर्दोष मूवी में एक्टिंग के साथ साथ वो उस फिल्म के सभी गाने भी गाए। फिर माशुका, आह, अनुराग, दुल्हन जैसे कई फिल्म्स में एक्टिंग भी किए। फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना किए मुकेश की आवाज ने केएल सहगल पर जादू चला दिया। फिर राज कपूर के लिए भी एक दो गाने गाने के बाद ही उन्हें 50s में शोमैन की आवाज कहा जाने लगा। मेरा जूता है जापानी, आवारा हूँ जैसे हिट सॉन्ग्स देने पर भी उनकी सिचुएशन ये थी कि अपने बच्चों के स्कूल फीस के लिए एक वेजिटेबल वेंडर से पैसे उधार लेने पड़े, जो वेंडर मुकेश की आवाज का दीवाना था। फिर राज कपूर से मुकेश की अच्छी दोस्ती बन गई। 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी के अनाड़ी से राज कपूर को फर्स्ट फिल्म मेकर अवार्ड मिला तो मुकेश को सब कुछ सीखा हमने सॉन्ग के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला था। 40 इयर्स के करियर में लगभग 200 से भी अधिक फिल्म्स में गाए सुपरस्टार सिंगर मुकेश ने अपनी जादुई आवाज का कहर लोगों पर इस हद तक किया कि एक बार एक बीमार लड़की ने अपने माँ से मुकेश के गाने सुनने से वह ठीक होने की बात कहने से मुकेश ने तुरंत उनके पास जाकर अपना गाना सुनाया। हर तरह के सॉन्ग्स गाने वाले मुकेश सैड सॉन्ग्स के लिए ज्यादा फेमस हुए और वह फिल्म मेकर अवार्ड पाने वाले फर्स्ट मेल सिंगर थे। 27 अगस्त 1976 में अमेरिका के डकोटा में एक स्टेज शो में एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल गाना गाते हुए दिल का दौरा पड़ने से हमेशा के लिए मुकेश की आवाज बंद हो गई, लेकिन उनके फैंस और म्यूजिक लवर्स के कानों में उनका आवाज कभी बंद नहीं होगा। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.